बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम नईम अरशद है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताऊंगा कि एमडी कैट एंट्री टेस्ट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आपको बताते हैं एमडी कैट एंट्री टेस्ट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ गूगल क्रोम खोलना, यहाँ जाकर लिखना एमडी कैट रजिस्ट्रेशन 2023 पर क्लिक कर दिए। अब ये आ गया इसका, ये मेन पेज आ गया पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल होम पेज, इस पर क्लिक कर दिए। ये पेज खुल गया पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। अब यहाँ से जाके हम नीचे जाएंगे तो ये लिखा क्लिक केयर टू एमडी कैट। अब ये वाला पेज ओपन हो गया ये लॉगिन करने के लिए। अब हमने लॉगिन नहीं करना, हमने न्यू अकाउंट बनाना। तो साइन अप पे जाएंगे, यहाँ जाके हम नाम लिख देंगे, यहाँ फादर नेम आ जाएगा, इधर आ जाएगा उसका आईडी कार्ड नंबर या बे फार्म नंबर, इधर आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ लिख देंगे इधर आ जाएगा मोबाइल नंबर। इधर आ जाएगा ईमेल, यहाँ आ जाएगा पासवर्ड, आप जो भी रखोगे आपको याद होना चाहिए। या उसको जाके रिपीट करेंगे, जो आपने पासवर्ड ऊपर रखा वही नीचे रखना है। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लो, उसके बाद जो है इसका जाके आपने साइन अप कर देना। तो ये दोस्तों साइन अप हो चुका है, क्रिएट अकाउंट हो गया। अब यहाँ क्लिक कर लॉग इन करें, इधर जाके CNIC लिखेंगे, यहाँ जाके इसमें पासवर्ड लिख देंगे। यहाँ लॉग इन कर देंगे जाके, ये लॉग इन हो गया। अब यहाँ जाके डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे कौन सा आपका, या डिजायर्ड एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी पंजाब लिख देंगे, या सेंटर आ जाएगा इसका मुल्तान। इधर आ जाएगा जी FSC इंटरव्यू, FSC मार्क्स, या FSC के मार्क्स लिख देंगे। इधर आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ, यह आ जाएगी FSC मार्कशीट, यह आ जाएगा आपका CNIC नंबर, ये CNIC की इशू डेट आ जाएगी। यहाँ आ जाएगी पिक्चर आपकी, जो भी आपकी पिक्चर है वो यहाँ अपलोड कर दो। उसके बाद रेजिडेंस सिटी आ जाएगा, यहाँ रेजिडेंस सिटी ये मुल्तान आ जाएगा। उसके बाद इंटीरियर एड्रेस, पोस्टल एड्रेस जो आपका है,
उसके बाद आ जाएगा सेव एंड प्रोसेस पेमेंट। तो अभी ये सेव हो रहा है। यहाँ डोमिसाइल लिख देंगे मुल्तान, यहाँ लिख देंगे पंजाब, और ये आ जाएगा मुल्तान। यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा फीमेल, यहाँ आ जाएगा मार्कशीट, यहाँ आ जाएगा ये आपका इंटरव्यू CNIC, यहाँ इशू डेट आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी पिक्चर, रेजिडेंस सिटी आ जाएगा, इसके बाद यहाँ एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा सेव एंड प्रोसेस पेमेंट। ये दोस्तों ये सेव हो चुका है। अब वो कह रहा है आपने पेमेंट जो है वो उसके थ्रू करनी है, डेबिट कार्ड के या MCB बैंक के। तो हम MCB बैंक कर देंगे, ये जनरेट चलान फॉर्म करेंगे, तो ये चलान फॉर्म जनरेट हो गया। तो ये चलान फॉर्म निकला है, अब इसको चलान को भर के तो ओके कर देना, आके फिर आपकी डॉलर स्लिप वगैरह आएगी। तो इसी तरह ये MD CAT में अप्लाई करते हैं।